विराट कोहली विश्व क्रिकेट के एक ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम पर हर मैच में कोई न कोई रिकॉर्ड बनता ही रहता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में बांग्लादेश को बुरी तरह रौंदने के बाद टीम इंडिया के कप्तान और वनडे के नंबर एक बल्लेबाज विराट कोहली ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। वो वनडे में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जैसे ही विराट ने 88वां रन लिया, उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 28 साल के इस चेज मास्टर ने ये उपलब्धि महज 175 पारियों में हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के एबी डी विलियर्स के बाद विराट ऐसे दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 200 पारियों से कम में ये कीर्तिमान बनाया है। 182 पारियों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान से पहले ये रिकॉर्ड सौरभ गांगुली के नाम था, जिसे 13 साल तक कोई तोड़ नहीं पाया था। डिविलियर्स ने साल 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसे 2 साल से कम समय में उनके रॉयल चैलेंजर्स टीम के खिलाड़ी ने तोड़ दिया। विराट ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के 4 मैचों में 3 अर्धशतक लगाए हैं।